please subscribe my channel and hit the bell icon for latest update. Hey guys, what's up? कैसे हैं आप लोग? राइडर शक्ति आपका स्वागत करता है और मैं अभी हूँ अपने घर के छत पर. आप देख सकते हैं मेरे पीछे का व्यू, दिख रहा है? बहुत सही है ना? वाह वाह, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है भाई. कमेंट पक्का कीजिएगा आपको कैसे लग रहा है. ठीक है, तो लास्ट ब्लॉग मैंने बनाया था अपने घर का, अगर आपको दिख रहा होगा वो रहा मेरा घर, वो टॉप. ठीक है, वो मेरा दूसरा घर है, मतलब पहला घर वो है, ये दूसरा घर है जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है. सो गाइज, आज का मैं ब्लॉग जो बना रहा हूँ वो ब्लॉग बना रहा हूँ एक नए इस टॉपिक को लेके, वो है घराट. घराट, यस यस, आपने कभी शायद पता नहीं सुना होगा कि नहीं. घराट, घराट मीन्स चक्की, ऐसी चक्की जो आटा चक्की बोल सकते हो, आटा चक्की, यस आटा चक्की जो पानी की मदद से बनती है, लोकल चक्की, जिस जहाँ पर हमें एक फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश आटा मिलेगा. चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं आज का ब्लॉग और एंजॉय कीजिए, लास्ट तक बने रहिए और लाइक पक्का कीजिए. रास्ता जो मैंने चुना है वो है खड़ वाला रास्ता. यहाँ पर एक ब्रिज होता था, वो ब्रिज गायब हो गया, स्कूल का ब्रिज था यहाँ पर. तो मैं दिखाता हूँ वो ब्रिज कहाँ पर मिलता है हमें. ये स्कूल है, ये स्कूल के बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे. देखिए यहाँ पर किसी का बगीचा होता था, ये एप्पल के ट्रीज हैं सारे, पर आप देख सकते हैं नदी पूरे में फैल गई, ये पूरी नदी बन गई. ये देखिए, मैंने कहा था ब्रिज दिखाऊंगा आपको, ये था वो ब्रिज. इसी साल के फ्लड ने ये सारा साफ किया था. अराउंड ऐसा कहा जाता है 95 में इस टाइप का फ्लड आया था, उसके बाद का फ्लड इसी साल आया. धीरे धीरे नदी का लुक चेंज हो रहा है और जाने के रास्ते ढूंढने पड़ रहे हैं भाई. लुक वाइज ओहो हॉरिबल, पता नहीं वीडियो में कैसा लग रहा होगा. बस के भाई, यूं लग रहा जर्नी शुरू होने से पहले खत्म होगी. ओ ओ ओ ओ ओ यस या, अब जंप मारते हैं यहाँ से. हाइट पता नहीं कैमरे में कितनी लग रही होगी, अराउंड अराउंड 9 फीट तो हो गई. बॉल फेंक के देखें, हाँ ठीक है पक्का. We'll be right back.
चल चल ये ओह माय गॉड ओह माय गॉड माय गॉड ओएमजी 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 इस चक्की की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा आटा बनेगा उसकी प्योरिटी गारंटेड है, 100% प्योर होगा। जैसे आपने अनाज लाया, जिस टाइप के आप अनाज लाएंगे, गेहूं लाएंगे, मक्का लाएंगे, उसी टाइप से ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। इस पाइप के द्वारा जो नाले का पानी है वो अंदर लगे इस पंखे के ऊपर गिरता है। पानी के गिरने से घूमता है, घूमने से क्या होता है कि ऊपर लगी जो चक्की है वो भी घूमना शुरू होती है और आटा पिसती है। और यहाँ पर एक पॉइंट भी रखा गया है देखो, रोशनी के लिए, रात दिखने के लिए, या फिर यहाँ से एयर जो आती है वो भी बाहर निकल जाती है। देख लो भाई, ये है जहाँ से हम अनाज को भरेंगे। अनाज भरा गया इसके अंदर, अनाज भरा और फिर यहाँ पर ये चीज, यहाँ से अनाज निकलता है। जैसे ये मूव करता है, ये मूव करता है, ये ऐसे से हिलता रहता है, दैट मीन्स उससे क्या होता है, थोड़ा थोड़ा करके अनाज निकलता है। साइंटिफिक है सारा कुछ, बहुत ही अच्छे से इसको डिजाइन किया जाता है, बहुत ही अच्छे से। फिर वो अनाज यहाँ से जाएगा अंदर, यहाँ से पिसेगा, पिसने के बाद इस जगह पर, इस सरफेस पर वो अनाज इकट्ठा हो जाएगा, अनाज इकट्ठा हो जाएगा और फिर वो जब ये घराकी आएंगे वो उसको इकट्ठा करेंगे या बोरे में डाल देंगे, या फिर लोकल कम्युनिटी के लोग जिनका आटा है वो भी यहाँ पर आएंगे खुद ही, और उसके बाद उस आटे को वो पैक करके ले जाएंगे। हाँ, इसके बदले में मिलता गया घराकी को, जहाँ तक मुझे पता है कुछ हिस्सा दिया जाता है, जो पीसा हुआ आटा होता है उसका कुछ एक हिस्सा घराकी के लिए छोड़ दिया जाता है, वो उसकी अर्निंग है। तो फाइनल गाइस, आशा करता हूँ कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो लाइक करना ना भूलिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक करना और शेयर करना है, और कमेंट तो बहुत ज़रूरी होते हैं भाई, बिना कमेंट के कुछ होता ही नहीं है। जब आपके कमेंट्स आते हैं तो अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है, कमेंट कीजिए प्लीज़ और लाइक पक्का कीजिए। सी यू अगेन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय बाय।